सो हेलो गाइस, स्वागत है आज की नोट साथ वापस। और वीडियो यार काफ़ी अमेजिंग होने वाली है, तो इस वीडियो का यार एंड तक देखना, क्योंकि यार इसमें हम बात करेंगे यार वन ईयर रिव्यू नारुतो 30 का। और भाई देखेंगे कि यार वन ईयर के बाद यार अब कैसा चलता है नारुतो 30, मतलब कि अब कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है गेमिंग में, कितना लैग हो रहा है। तो यार इस वीडियो में हम सब कुछ देखेंगे। और भाई कुछ वीक पहले यार मैंने C.18 अपडेट के बारे में बताया था और मैंने वीडियो डाली थी, तो यार भाई वो भी अभी तक जिसने नहीं देखा तो यार वो भी यार वीडियो देख। भाई जिसने भी अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो यार सब्सक्राइब कर दो, और भाई इस वीडियो पे यार लाइक भी कर दो। तो चलो यार अपनी वीडियो यार शुरू करते हैं। तो बात करूँ यार Realme Narzo 30 की, तो इसका यार वन ईयर तो हो ही चुका है, तो इस वीडियो में हम यार तीन चार चीज़ों की बात करेंगे जो हो जाता है हमारे यार, हीट हो जाता है, लैग हो जाता है, और जायरो वायरो कैसा फ़र्क कर रहा है, तो ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में। जायरो की बात, और भाई जायरो की मैं बात करूँ तो इसमें ना मुझे यार भाई अलग ही देखने को मिल रहा है भाई। अब जायरो इसमें भाई पता नहीं क्या होता है, मैं कभी भी अगर जायरो यूज़ करता हूँ तो भाई कभी रिवर्स जायरो होने लग जाता है, क्योंकि मैं रिवर्स रखता नहीं हूँ, पर यार तब भी पता नहीं कभी कभार रिवर्स वर्क करने लग जाता है जायरो। अब ये पता नहीं क्या यार, ये फ़ोन का ग्लिच है कुछ ऐसी, पता नहीं क्या ग्लिच है, पर यार कुछ ऐसा ही सीन है इसका। बात करते हैं यार अपनी हीट की, तो हीट की बात करूँ तो यार भाई हीट का यार पहले कुछ सीन, मतलब कि पहले था कि भाई हीट जो था मतलब कि थोड़ा टाइम लगता था होने में, मतलब कि आधा घंटा एक घंटे बाद होता था हीट, पर यार अब क्या होता है कि आप अगर एक दो TDM भी खेलो तो यार तब भी आपका हीट हो जाएगा, मतलब कि बहुत जल्दी हो जाता है हीट, मतलब कि आप एक दो TDM खेलो तभी आपका हीट हो जाएगा डिवाइस। तो मैं तो यार आपको रिकमेंड करूँगा कि आप भाई पंखे के सामने बैठ के खेलो, जिससे कि आपका यार ज़्यादा से ज़्यादा यार रिड्यूस हो आपका हीट और आपको अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिले। अब बात करते हैं यार अपने लैग की, तो यार मैंने आपको काफ़ी वीडियो में बता रखा है कि आपका यार हीट के यहाँ से यार काफ़ी बार यार आपका लैग होता है, तो हीट एक मेन रीज़न है जिससे कि आपका यार लैग होता है। मैं ये बता देता हूँ यार लैग हो कितना रहा है, मतलब ये कहाँ कहाँ कब कब होता है। तो यार भाई ऐसा मतलब कि आपका यार कभी भी लैग हो सकता है। अब भाई वो आपके एक स्क्वाड आ जाए पूरी, या फिर भाई अगर एक दो बंदे भी आ जाए तो भी लैग हो जाए। अब भाई पता नहीं क्या है, पर यार ऐसा ही है, अगर आप हॉट ड्रॉप या कुछ लेते हो तो भाई मतलब कि होता ही रहेगा आपका लैग, मतलब कि कभी भी आपका मतलब कि लैग तो कम होने नहीं वाला उस टाइम पे, पर यार भाई बाद में जब थोड़े थोड़े स्क्वाड कम होंगे तो तब आपका थोड़ा कम हो सकता है लैग। वैसे तो आपका यार भाई बहुत ज़्यादा लैग होने वाला है हॉट ड्रॉप पे। अब भाई यार बात करते हैं यार अपने चार्ज की, मतलब कि अब भाई चार्ज कितनी जल्दी हो रहा है, मतलब कितना टाइम लगाता है चार्ज होने में। तो यार मैंने आपको बहुत सी वीडियो में बता रखा है कि भाई चार्ज के मामले यार ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है भाई, काफ़ी अच्छा डिवाइस है, मतलब कि भाई चार्ज भाई बहुत जल्दी हो जाता है चार्ज। तो यार बात करते हैं यार अपने बैटरी ड्रेन की, और बैटरी ड्रेन मतलब कि कितनी जल्दी आपका जो बैटरी है वो रिड्यूस हो रहा है गेम खेलते समय। तो यार उसकी बात करूँ तो यार मैं पहले से कंपेयर करूँ तो यार अब जो है बैटरी वो थोड़ी जल्दी जाती है। अब भाई वो पता नहीं क्या है, पर यार भाई थोड़ा जल्दी जाता है बैटरी। तो यार मैं एक और चीज़ की बात कर लेता हूँ जो होता है हमारा यार रिकॉर्डिंग पे कितना लैग करेगा, और भाई विदाउट रिकॉर्डिंग पे कितना लैग करेगा। अब भाई जैसे कि यार मैं यार भाई वीडियो बनाता हूँ यार भाई मॉन्टेज के लिए, तो यार भाई उसमें जो यार मैं हॉट ड्रॉप पे उतरता हूँ तो यार उधर यार मेरे को काफ़ी लैग देखने को मिलता है, मतलब कि अगर एक स्क्वाड आती है दो स्क्वाड आती है तो भाई बहुत ज़्यादा लैग देखने को मिलता है, मतलब कि अटक अटक के चलता है गेम, मतलब कि भाई अच्छे तरीके से चिपक जाते हैं गेम। अब भाई पता नहीं यार क्यों, पर यार भाई बड़ा ही गलत गेम चलता है यार भाई रिकॉर्ड करने समय। और यार मैं बात करूँ यार विदाउट रिकॉर्डिंग की, तो यार अगर आप भाई हॉट ड्रॉप लेते हो और अगर उधर एक दो स्क्वाड आई है तो यार आपका लैग तो होगा, पर यार इतना भी नहीं होगा कि आप भाई खेल ही ना सको, क्योंकि यार जब आप रिकॉर्ड करोगे तो यार उसमें बहुत गंदा लैग होने वाला है, पर यार इसमें इतना ज़्यादा लैग नहीं होगा, इतना होगा कि आप भाई खेल लो, मतलब कि ज़्यादा भी नहीं होगा। पर यार भाई लास्ट जोन में मेरे को काफ़ी बार देखने को मिला है कि भाई लास्ट जोन में बहुत ज़्यादा लैग होते हैं। अब भाई मैंने आपको यार मेन चीज़ें तो बता दी हैं कि लैग ये सब मैंने अभी आपको यार बता दिया है। अब भाई मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको यार ये वाला डिवाइस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो यार मैं तो बोलूँगा कि अगर आप भाई ऐसे ही यूज़ करते हो, मतलब कि थोड़ा बहुत गेम खेलते हो और भाई विदाउट रिकॉर्डिंग के गेम खेलते हो, तो यार आप भाई ले सकते हो अगर आपको ऐसे लेना है तो। अगर आप भाई रिकॉर्ड ये सब करते हो तो यार मैंने एक वीडियो डाली थी, वो मैं आपको यार लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें यार मैंने यार टॉप 5 गेमिंग स्मार्टफोन बताए थे, मतलब कि अंडर 15,000 के अंदर में, तो आप यार वो वाली वीडियो देख सकते हो। और उसमें यार मैंने एक ऐसा फ़ोन भी बताया जिसमें यार आपका स्मूथ प्लस एक्सट्रीम जाता है, जो कि यार काफ़ी अच्छी बात है। तो इसमें से आप भाई वीडियो देख सकते हो, और भाई ये वाली वीडियो देख लेना, इससे भाई आपको पता लग जाएगा कि आपको यार कौन सा डिवाइस लेना है, वो भी अंडर 15,000 के अंदर में। और भाई मिलते हैं ऐसी एक और ऑसम वीडियो में यार, तब तक के लिए यार गुड बाय।